पैदा हुआ न संध्या वंदन करे न आहार शुद्ध है न व्यवहार शुद्ध है, मरे हुए के हाथ में रखी हुई वस्तु को उठा करके खा जाए, चोरी करने लगा, किसी से भी झगड़ा कर ले, किसी के घर में घुस जाए, पहले दोस्ती करे और फिर उसी से दुश्मनी भी कर ले। एक शराबी व्यक्ति दोस्ती करता है, पीता है, साथ में बैठ करके फिर उसी से लट्ठियां बजा करके उसका काल भी बन जाता है। खेल खेल में बच्चों को कुएं में गिरा दे, जो जो बड़ा होता गया और बुराइयां आती गई, जंगली वनीय जीवों को मारने के लिए निकल पड़ता, चांडालों का संग करने लगा, कुत्तों को साथ में रखने लगा, और बुराइयां आ गई, अब तो घर में वारांगनाओं को वेश्याओं का संग करने लगा। एक के बाद एक भाइयों ध्यान रखना, इस भागवत कथा से यदि एक अच्छाई को पकड़ लोगे जीवन बदल जाएगा। एक अच्छाई को पकड़ देना और थोड़ी सी असावधानी, यदि एक बुराई भीतर में घुस गई, याद रखिएगा एक बुराई सैकड़ों बुराइयों को लेकर के आ जाएगी और कब तुम्हारा पतन हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। मकान की सीढ़ियों पर चढ़ने में मेहनत होती है, पर लास्ट सीढ़ी में जाते जाते पैर फिसल जाए, गिर पड़े तो लुढ़कते 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 वापस नीचे आएगा। वो अपने जीवन में चढ़ने में तो समय लगता है, पर गिरने में समय नहीं लगता। आपको इज्जत बनाने में वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन इज्जत बिगाड़ने में तो सेकंडों का काम होता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है। धुंधुकारे ऐसा खल निकला। अब समाज में आत्मदेव ब्राह्मण के प्रति लोग मजाक उड़ाने लगे, टॉन्ट मारने लगे। जब वो धुंधुकारी कहीं इधर उधर निकले तो लोग कहते, देखो देखो पंडित जी के सुपुत्र जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना, कहीं यज्ञ में जा रहे दिखते हैं। टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। जब इस तरह की चर्चा होने लगी तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हुए। एक दिन तो माथा पकड़ करके फूट फूट के ब्राह्मण रो पड़ा। क्वतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम विपोहयेत्। हे भगवान, मैं कब कहां रहूं, कहां जाऊं, मेरे दुख की बात मैं किसको कहूं, बड़ा दुख है, मर जाना ही ठीक है। हे भगवान, मेरी मौत भी तो नहीं आती, समाज में मुंह दिखाने जैसा भी तो नहीं रखा। फूट फूट करके ब्राह्मण विलाप करने लगा। तब सज्जनों माताओं ध्यान दो, रोते विलखते हुए आत्मदेव ब्राह्मण के पास में गोकर्ण आया, जो गाय के पेट से पैदा हुआ। गोकर्ण आया और कहने लगा, पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हो, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, छुता कस्य धनम कस्य, ये संसार में कुछ नहीं पड़ा है पिताजी, किसका पुत्र और किसका धन है, आप क्यों दुखी हो रहे हैं। ये जो ममता है ना, ममता यही दुख देती है पिताजी, मोह छोड़ो ममता छोड़ो। मैं तो ये कहता हूं कि शरीर में भी मोह मत करो, परिवार में भी ममता मत करो, संसार के नाशवान पदार्थों के पीछे जिंदगी खराब मत करो। अगर शांति की जिंदगी जीनी है, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, राग करना तो वैराग्य लो, वैराग के राग में रंगो और भक्ति में बैठो, प्रेम से प्रभु के भजन में लगो। पिताजी धर्म का आचरण करो, ये संसार के झंझटें छोड़ो, अच्छे साधु पुरुषों का सत्संग करो,
भाग्य में होगा वो मिलेगा, काम तृष्णा का त्याग करो, दूसरों का गुण दोष देखना छोड़ो। पिताजी तेरे भावे जो करें भला बुरा संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार, अपना ख्याल रखो पिताजी, सेवा करो, कथा सुनो, कथा अमृत का पान करो, इसी में शांति मिलेगी पिताजी, मैं तो आपसे यही बोलता हूं। कौन बोल रहा है? पुत्र ध्यान दो, वो लड़का है जो रुला रहा है, पुत्र है जो नरक में जाने से बचा रहा है, गोकर्ण पुत्र बनकर के आया, धुंधोकारी लड़का बनकर, इतना बड़ा होना था। आओ जब थोड़ा विचार से बताएं, गोकर्ण कहता है कि जया सुतादेश ममता भी मुंच, ये परिवार की कुटुंब की जो ममता है इसको छोड़ो, कोई किसी का नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा भाइयों, बड़े ध्यान से कथा सुन रहे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आत्मदेव ब्राह्मण को कितनी संतान हुई? कितनी हुई? वो मरने के लिए गया था ब्राह्मण, उसको कितनी संतान मिली? दो, ज्यादा तो नहीं है, कम भी नहीं है, दो है ना? ईमानदारी से बताओ, क्या उसको दो संतान हुई है? तो फिर एक तो पत्नी अपनी बहन के बच्चे को पकड़ के लाई, उठा के लाई, आत्मदेव ब्राह्मण का नहीं है, नहीं है ना? और एक गाय के पेट में से पैदा होकर के आया, आत्मदेव ब्राह्मण का क्या है? और ब्राह्मण ने क्या समझ लिया है दोनों? ये सभी का यही हाल है। आज जिसको हम अपना बोलते हैं, आज के 50, 60, 70, 80, 100 साल पहले वो किसका था? और आज के 60, 70, 50 साल के बाद में वो किसका होगा? पहले भी कोई अपना नहीं था, बाद में भी अपना नहीं होगा, तो बीच में अपना कैसे हो गया भाई? जबरदस्ती का कब्जा कर रहे हो और फिर उसी को लेकर के रात दिन हाय हाय हाय, धन हाय, पुत्र हाय, पत्नी हाय, पति हाय, भाई हाय के सिवाय और कुछ नहीं बचने वाली है। सब आया और गया, आया और गया, रहेगी तो हाय हाय रहेगी। एक महात्मा कथा समय पर नहीं छोड़ते थे, मेरी तरह होंगे, तो एक भक्त ने सोचा कि शायद महात्मा के पास में घड़ी नहीं है, इसलिए समय का ज्ञान नहीं रहता, मैं घड़ी रख दूं तो टाइम से कथा छोड़ देंगे। तो एक श्रद्धालु आया, वो घड़ी चढ़ा करके चला गया। अब महात्मा ने कथा